अगर आप मैकबुक यूजर हैं और आप मेल क्लाइंट यूज कर रहे हैं, उसमें चाहते हैं कि आप इंटरेक्टिव सिग्नेचर जाए, जैसे कि आप एक ईमेल लिख रहे हैं और वहां पे चाहते हैं कि अट्रैक्टिव सिग्नेचर जाए, इस तरह से हर ईमेल के बाद एक अट्रैक्टिव सिग्नेचर जाए, तो उस चीज को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताएंगे हम कि आप मैकबुक में सिग्नेचर कैसे ऐड कर सकते हैं, जो मेल क्लाइंट है उसमें कैसे सिग्नेचर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेल पे क्लिक करेंगे, मेल पे जाएंगे प्रिफरेंस में। तो इस प्रिफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको टैब पे जाना है, जनरली ये टैब यहाँ पे आएगा इस तरह से। तो इसमें सिग्नेचर्स में जाना है। सिग्नेचर्स में यहाँ मैं पहले से दो सिग्नेचर ऐड करके रखा हुआ है, चाहते हैं कि एक और सिग्नेचर ऐड हो। हम यहाँ पे अभी सिग्नेचर 3 किए, बाय डिफॉल्ट सिग्नेचर है, लेकिन मैं सिग्नेचर HTML मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है कहीं पे, आप देख सकते हैं मेरा गिट अकाउंट पे एक HTML क्रिएटेड है। तो यहाँ माई सिग्नेचर kim.html करके है, तो मैं इस पूरे सिग्नेचर को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके यहाँ पे मैं इस चीज को बिना स्पेस रहते हुए इस चीज को पेस्ट कर लिया। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली चीज है कि जिस तरह से दिख रहा था वहां से आया नहीं। तो यहाँ पे है ऑलवेज मैच माई डिफॉल्ट मैसेज फॉन्ट, तो इसको अनचेक कर देंगे। इसको अनचेक करके हम फिर से ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर वे में आ गया। अब इस सिग्नेचर को जब हम ऐड कर दिए, तो यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स है, जो ईमेल अकाउंट्स यहाँ पे, अगर आपका 10 ईमेल में आप साइन इन करके रखे हैं तो यहाँ 10 लिस्टेड रहेंगे जिसमें आपको ऐड करना है। तो अभी सिग्नेचर 3 को हम चाहते हैं इसमें ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे सिग्नेचर 3 में ऐड कर दिया। सिग्नेचर 3 अभी यहाँ पे आप सैंपल देखेंगे, मैं क्लिक किया, अभी बाय डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट है सिग्नेचर सेट किया हुआ, डिफॉल्ट सिग्नेचर आ गया। अभी आप देखें कि यहाँ सिग्नेचर 3 करके आया। सिग्नेचर 3 मारेंगे जैसे ही ये लोड कर लेगा। आप मैक में, एप्पल के मैकबुक में आप इस तरह से सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं मेल क्लाइंट में, आप अट्रैक्टिव सिग्नेचर चाहते हैं तो। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।